पिछले एपिसोड में हमने देखा था थैनोस पावरलेस हो जाने के बाद टाइटन प्लेनेट पर खुद को जैसे तैसे करके सरवाइव कर रहा था, लेकिन तभी थैनोस के पास ड्रैको नेबुला और एरोज आते हैं और वो थैनोस को यूनिवर्स को बचाने के लिए उससे मदद मांगते हैं, क्योंकि थेन फिनिक्स फोर्स से जुड़ते ही अब यूनिवर्स में हर तरफ तबाही मचाना शुरू कर चुका था और उसे रोकने के लिए उन्हें थैनोस की मदद चाहिए थी, जिसके बाद थैनोस के बोलने पर वो सभी लोग यूनिवर्स के एज पर कॉस्मिक कॉवेन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत बड़ी सेना से और हमें बताया जाता है ये शियार एम्पायर और स्पार्टेक्स की सेना है जो अब मिलके बस एक आदमी को मारने आ रहे हैं जिसका नाम है थेन। फिर हम देखते हैं लेडी डेथ और थेन को जो कि एक टावर पर खड़े हैं। डेथ थेन से कहती है वो लोग आ गए माय लव, जिसपे थेन कहता है हाँ मैं देख रहा हूँ, ये सब लोग तब तक आते रहेंगे जब तक मैं मर नहीं जाता। तो डेथ बोलती है थेन अब तुमको कोई भी नहीं मार सकता, ये बात तुम अच्छे से जानते हो, लेकिन थेन कहता है मुझे ऐसा करके कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो डेथ थेन से कहती है वो एक गॉड है और एक गॉड को अपने किए गए काम पर गिल्ट नहीं करना चाहिए, ये तो उनकी खुशकिस्मती है जो वो तुम्हारे हाथों मर रहे हैं। तब थेन कहता है मेरा ये मतलब नहीं था, मैं ये कहना चाह रहा था कि मेरे पास जो ये पावर्स हैं ये मुझे काफी नहीं लग रही हैं। जिस पे डेथ पूछती है तो क्या तुम अपने फादर के बारे में सोच रहे हो, जिस पे थेन कहता है हाँ मुझे उससे सिर्फ पावर्स नहीं लेनी चाहिए थी बल्कि मुझे उसे वहीं पर मार देना चाहिए था, जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि चीजें मेरे कंट्रोल में हैं। जिस पे डेथ कहती है तो फिर ठीक है हम टाइटन पर जाएंगे और उसको वहीं पर खत्म कर देंगे। फिर डेथ उन शिप्स की तरफ इशारा करते हुए बोलती है लेकिन पहले क्या तुम मुझे ये गिफ्ट डिलीवर करोगे माय लव। तो थेन कहता है जैसा आपका हुक्म माय लव, ये सब लाइव्स अब तुम्हारी हैं। और अब थेन बड़ी ही आसानी से उन शिप्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है और अब चाहे थेन कितना ही पावरफुल क्यों ना बन गया हो लेकिन वो अंदर से अभी भी एक खोया हुआ इंसान है। उसे लगता है कि इस यूनिवर्स में उसको लेडी डेथ के साथ एक जगह मिल गई है जो उसे कभी भी इग्नोर नहीं करती है, लेकिन थेन जैसे जैसे अपनी फिनिक्स पावर को यूज करता जा रहा है उसकी फीलिंग्स पर उसका कंट्रोल खत्म होता जा रहा है और अब डेथ का थेन पर कंट्रोल बढ़ने लगा है। फिर तब हम देखते हैं नेबुला की शिप जिसमें वो सभी लोग कॉस्मिक कॉवन को ढूंढने के लिए निकल पड़े हैं। ट्रैको थेनोस से पूछता है क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, जिस पे थेनोस कहता है तुम बस मेरे बताए रास्ते पर बिना डाउट किए चलते जाओ, मेरे पास जब इन्फिनिटी जेम्स थे तो मैं ऑल नोइंग हो गया था, इसीलिए मैं कॉस्मिक कॉवन की प्रेजेंस को इसी जगह पर फील किया। तो हीरोज कहता है अगर वो कॉस्मिक कॉवन सच में है तो वो किसी भी गॉड से ज्यादा ही पावरफुल है, जब भी एक गॉड कल्चर या कोई सिविलाइजेशन खत्म होती है तो उन्हें ये इंचेंट्रेस इटर्निटी ही कलेक्ट करती हैं और ऐसा माना जाता है वो इन सोर्स को कंज्यूम करती हैं और उनकी पावर्स को वापस से कॉस्मोस में फैला देती हैं। लेकिन तभी उनका शिप किसी फोर्स की वजह से खींचने लगता है और तब वो देखते हैं कि उनके सामने एक ब्लैक होल मौजूद है, जिस पे नेबुला कहती है हमें यहाँ आना ही नहीं चाहिए था और वो शिप को उस जगह से दूर ले जाने लगती है। जिस पे थैनोस कहता है तो आखिर हम उस जगह आ ही गए, मैं जानता हूँ कि वो यहीं पर हैं। और थैनोस स्पेस सूट को पहनकर उस ब्लैक होल में जाने के लिए रेडी होने लगता है और उनसे कहता है अब तुम लोग चाहो तो यहाँ पर रुककर मेरा इंतजार कर सकते हो या फिर यहाँ से जा भी सकते हो। जिस पे ईरोस भी स्पेस सूट पहन के रेडी होने लगता है तो ट्रैको ईरोस से पूछता है क्या आप तुम पागल हो चुके हो, जिस पे ईरोस कहता है अगर वहां पर कॉस्मिक कॉवन सच में मौजूद हैं तो वो बहुत ही पावरफुल हैं और इतनी पावर के साथ हम थैनोस पर भरोसा नहीं कर सकते हैं और अब तुम लोग यहीं पर रुककर हमारा इंतजार करना और अगर हमें ज़्यादा देर लगे तो यहां से जितना दूर हो सके उतना दूर चले जाना और यहां तक कि थेन से भी दूर। और इतना कहते ही वो दोनों लोग उस ब्लैक होल में कूद जाते हैं और फिर उस ब्लैक होल की फोर्स उनको अंदर खींचने लगती है, जिसके बाद वो दोनों ही लोग किसी जगह पर जाकर गिरते हैं और उनसे कोई कहता है अरे वाह देखो यहाँ पर आज कौन आया है, दो भाई तीन बहनों से मिलने आए हैं। और फिर हमारे सामने आती हैं वो तीन सिस्टर्स यानी कि कॉस्मिक कॉवन और वो थैनोस को ग्रीट करते हुए बोलती हैं वेलकम टू द एंड ऑफ द ऑल थिंग्स, इस इन्वर्टेड वर्ल्ड में तुम्हारा स्वागत है, ये है द गॉड क्यूरी। अब थैनोस उस जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो आना चाहता था।
अब थानोस अपने आसपास देखता है और पूछता है, ये गॉड क्वेरी क्या है? मुझे तो यहाँ पर बस एक कब्रिस्तान नजर आ रहा है। मैं यहाँ पर उन पावर्स को लेने आया हूँ जो मैंने सुना था तुम्हारे पास हैं। मैं यहाँ पर इन मर चुके गॉड्स को देखने के लिए नहीं आया हूँ। मेरे सवालों का जवाब दो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। जिसपे वो तीन सिस्टर्स बोलती हैं, थानोस अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम अब कमजोर हो चुके हो, और सिर्फ कमजोर ही नहीं बल्कि इम्पोर्टेंट भी हो चुके हो। जिसपे थानोस गुस्साने लगता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की। लेकिन तभी ईरोस थानोस को शांत रहने के लिए कहता है और खुद उन तीन सिस्टर से बात करने लगता है। ईरोस अपनी पावर्स को यूज करते हुए बोलता है, थेन को रोकना अब जरूरी हो गया है, इसीलिए थानोस की उसकी पावर्स अब वापिस कर देनी चाहिए और तुम सभी लोग अब ऐसा ही करोगी। जिसमें वो तीन सिस्टर्स हंसती हैं और कहती हैं, तो तुम अपनी पावर्स से हमें मैनिपुलेट करने की कोशिश करोगे? और ऐसा कहते हुए वो तीनों सिस्टर्स ईरोस को उसके पावर यूज करने की सजा देती हैं। फिर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें थेन दिखाया जाता है जो टाइटन पर थानोस को ढूंढने के लिए आया है। और अब थेन टाइटन पर हर जगह ढूंढ चुका है लेकिन उसे थानोस कहीं नजर नहीं आता। तब थेन डेथ से बोलता है, थानोस यहाँ पर नहीं है, वो कहाँ जा सकता है? जिसपे डेथ जवाब देती है, वो कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब वो पावरलेस हो चुका है। लेकिन थेन, माय लव, मुझे कुछ और चिंता सता रही है। मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी ही तुम्हारे कामों की खबर अर्थ पर फैल जाएगी और अर्थ के माइटीएस्ट हीरोज तुमको रोकने के लिए जरूर यहाँ पर आएंगे, और इसीलिए जब तक वो तुमको रोकने के लिए यहाँ पर आए, हमें अर्थ पर चल के वहाँ के 6 बिलियन लोगों को मार देना चाहिए। लेकिन थेन डेथ की बात को सुन भी नहीं रहा था और उसकी नजर पास में पड़े पत्थर के पीछे छुपे हुए लोगों पर थी। फिर थेन उनसे कहता है, तुम लोग जो भी हो मेरे सामने आओ। फिर हम देखते हैं कि ये वही एलियंस हैं जिन्होंने थानोस को पीट कर उससे उसका हेलमेट ले लिया था। थेन उनके पास में थानोस का हेलमेट देखकर पूछता है, ये हेलमेट तुमको कहाँ से मिला? जिससे वो दोनों एलियन थेन को सारी बात बताते हैं और ये भी बताते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर आए थे और थानोस उनके ही साथ वहां से चला गया। तो थेन उनसे थानोस के साथी के बारे में पूछते हैं। तब वो दोनों एलियन थेन को उनका हुलिया बताते हैं, जिससे थेन समझ जाता है कि वो लोग ट्रैको, एरोज और नेबुला थे। जिसपे थेन डेथ से कहता है, हमें उन्हें अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। लेकिन डेथ थेन से कहती है, हमारा अर्थ पर जाना ज्यादा जरूरी है। जिसपे थेन डेथ पर चिल्लाते हुए बोलता है, बस अब बहुत हो गया, अब से सिर्फ वही होगा जो मैं चाहूंगा। अब मैं थानोस को ढूंढूंगा और उसे वहीं पर खत्म कर दूंगा। जिसपे डेथ उससे कहती है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारा इस काम में साथ दूंगी। और अब वो दोनों ही लोग वहां से जाने लगते हैं। लेकिन तभी थेन को कुछ याद आता है कि वो कुछ भूल रहा है और वो पलट कर उन एलियन से बोलता है कि वो हेलमेट उन्हें वापस दे। जिसपे वो एलियन थेन को थानोस का हेलमेट दे देते हैं और अब थेन उस हेलमेट को पहन लेता है और खुद को थानोस जैसा ही समझने लगता है। लेकिन थेन ये नहीं जानता है कि बाप बाप होता है। पर क्या थानोस उन पावर्स को हासिल कर पाएगा जिन्हें पाने के लिए वो द गॉड कैरी में गया है? और आगे की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोज एंजॉय करें और खुश रहें।